सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही 8 नए जिलों को भी कोरोना के रेड जोन में शामिल किया गया है। 5 जिलों से शुरू हुआ रेड जोन का सिलसिला 8 दिनों में ही 19 जिलों तक पहुंच गया है। फिलहाल अभी पलवल, चरखी दादरी और नूह जिले में ही राहत है और पाबंदियों से परे है। यहां कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा घरों और समारोह को लेकर जो गाइडलाइन 12 जनवरी तक जारी की गई थी उसे 19 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। अब प्रदेश के 19 जिलों में शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेगी। पूरे प्रदेश में पहले ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा सरकार ने 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां बढ़ा दी है। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के खतरे के मद्देनजर अब 19 जनवरी तक प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही 8 नए जिलों को भी कोरोना के रेड जोन में शामिल किया गया है। 5 जिलों से शुरू हुआ रेड जोन का सिलसिला 8 दिनों में ही 19 जिलों तक पहुंच गया है। फिलहाल अभी पलवल, चरखी दादरी और नूह जिले में ही राहत है। संवाददाता प्रोक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, हरियाणा में जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ गया है, ऐसे में सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है, पाबंदियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है उसको लेकर सरकार भी काफी चिंतित दिखाई दे रही है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि कुछ और जिले जो है ये रेड जोन के अंदर लाए गए हैं, जिनमें 8 जिले ये कैटेगरी ए जो रेड जोन की बनाई गई है, जिसमें अतिरिक्त प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसको लेकर ये 8 जिले इसमें डाले गए हैं रेड जोन में। इसके अंदर अगर जिलों की बात करें तो सिरसा, रेवाड़ी, जिंद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार है, क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसको लेकर भी सरकार काफी चिंतित है। 5,736 पूरे प्रदेश में मामले हैं और 26 ओमिक्रॉन के मामले पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसे में सरकार काफी चिंतित है और लगातार सरकार की तरफ से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो कोविड की लहर है, जो जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है उसको रोका जा सके। जी प्रोक्ष, अभी हरियाणा की बात करें तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है और ये अच्छी बात है। फिलहाल उन जिलों में और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? कि बिल्कुल देखिए कि बात करें अगर पलवल की, नूह की, ऐसे महेंद्रगढ़ की, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी फिलहाल ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं कोविड के, लेकिन सरकार क्योंकि इन्हीं मामलों पर ये सीमित रहे और ये मामले कम होते जाए इसको लेकर सरकार की तरफ से हिदायतें जारी की गई है। लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगाए हुए हैं वो ही बाहर पब्लिक प्लेस में निकले, बाकी जिन्होंने नहीं लगाए वो घर में ही रहे, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है किसी तरीके से लोगों को समझाया जा सके, लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जहां पर पब्लिक प्लेस हमें ज्यादा भीड़ ना करें उसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है। बात करें अगर कल की ऑर्डर की तो उसके अंदर साफ तौर पर ऑर्डर में भी ये लिखा गया है कि जितने प्रदेश के अंदर जितनी जनसभाएं होती है, जितने की धरने होते हैं, जितने प्रदर्शन होते हैं, जितनी रैलियां होती है, उन सब पर सभी पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में सरकार चिंतित नजर आ रही है, चिंता है सरकार के लिए कि किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। चलिए प्रोक्ष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, 8 और जिले रेड जोन में शामिल हुए। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी राहत भरी खबर है, लेकिन इन सब के बावजूद पूरे प्रदेश में पाबंदियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।